कवर्धा जिले के खुगदूर थाना पुलिस ने नक्सलियों के अति संवेदनशील इलाके से विस्फोटक से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में करीब 8 टन विस्फोटक भरा हुआ था, जिसे रायपुर से इलाहाबाद ले जाया जा रहा था। वहीं ड्राइवर द्वारा विस्फोटक के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि खुगदूर इलाका नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और इसी माह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 से 12 नक्सली घायल होने की पुष्टि DIG रतनलाल डांगी ने की थी। क्या था मामला और किस तरह की कार्रवाई की गई? कल खुगदूर में वाहन चेकिंग के दौरान में एक्सप्लोजिव वैन जब्त किया गया है, जिसमें 8 टन एक्सप्लोजिव भरा हुआ है और 15,000 मीटर उसमें कार्डेक्स वायर भरा हुआ है। ये एक्सप्लोजिव रायपुर से लोड होकर के इलाहाबाद के लिए जा रही थी। उसमें जो चालक था, आरोपी चालक राकेश वैष्णव, उसके द्वारा किसी प्रकार का उस वाहन में सुरक्षा मापदंड का पालन नहीं किया गया और साथ ही साथ उसको दिन के समय पर परिवहन किया जाना था, जो रात्रि के समय पर परिवहन किया जा रहा था। इन दोनों नियम का उसके द्वारा पालन नहीं किए जाने के कारण से 9 खा और 1 खा विस्फोटक अधिनियम के तहत में इसमें कार्रवाई की गई है और आरोपी को भी हिरासत में लेकर के पृथक से पूछताछ की जा रही है।